Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know, recently we have completed our chapter number 5. So it will be a revision class of chapter number 5. So without wasting any time, let's start. So as you can see, this is our chapter number 5 and the name of chapter is Editing Text in MS Word 2016. So let's discuss about this chapter. So as you can see, Word 2016 is an application software used for word processing. It was introduced by Microsoft Corporation. So इसका मतलब यह है कि जो Word 2016 है वो एक application software है जिसके थ्रू आप लोग वर्ड के रिलेटेड जितने भी हम वर्क करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने का, आपको पता है एमएस वर्ड का यूज़ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, वो हम करते हैं. सो इट वाज इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नेम है जिसके द्वारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया गया है. सो अगर हम कंपनी के नेम की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा एमएस वर्ड बनाया गया है एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है उनमें से एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है. सो वर्ड 2016 हैज़ द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016. सो प्रोड्यूस लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिस, newsletters, books, bills, etc. quickly and in a presentable manner. मतलब कि MS Word की हेल्प से आप लोग reports बना सकते हैं, newsletter, books type कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से और बड़े ही एक presentable manner में. modifying the text both while typing and after typing. beautify the text using color, style, font, साइज, बॉर्डर, शेडिंग एंड वेरियस अदर इफेक्ट्स. इसका मतलब ये है आप लोग जो आप इसमें लिखते हैं, जो भी टाइप करते हैं उनको हम टेक्स्ट बोलते हैं. कंप्यूटर में जो भी हम टाइप करते हैं उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं. तो टेक्स्ट को आप लोग लिखने से पहले भी कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं ताकि आप जब टेक्स्ट को टाइप करेंगे वो उन सारे चेंजेस के साथ टाइप हो. मतलब कि आप अपने टेक्स्ट को, अपना जो भी आप टाइप करना चाहते हैं उसको एक प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं. सो ये सब काम आप टाइप करने से पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद जैसे ही आप टाइप करेंगे सो उन सब फीचर्स के, उन सब फंक्शंस के साथ ही वो टाइप होना स्टार्ट होगा. या अगर आप पहले से ही किसी लेटर को टाइप कर चुके हैं और उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं सो आप उसमें भी बड़े आसानी से कलर्स को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं पेज में, और यू कैन यूज वेरियस अदर इफेक्ट्स ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज इंसर्ट ग्राफिक्स एंड मेक यूज ऑफ वेरियस ड्रॉइंग टूल्स टू ड्रॉ पिक्चर्स. सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स जस्ट लाइक विद ड्रॉइंग पेंट. आप इसमें ईजिली कुछ शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम एम एस पेंट में शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं. सो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग ग्राफिक्स और कुछ टूल्स के हेल्प से यहाँ पर ड्रॉइंग कर सकते हैं. कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी कर सकते हैं. सो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले प्रैक्टिकल में बता चुका हूँ, तो अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न रहती है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. शेयर डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट एंड इन्वाइट पीपल टू व्यू एंड एडिट डॉक्यूमेंट विच आर शेयरेबल. मतलब कि जो भी लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स आपने एमएस वर्ड में टाइप किए हैं उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली इंटरनेट की हेल्प से शेयर भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं. और जिस पर्सन के आप पास आप ये सेंड करेंगे, आप इनवाइट कर सकते हैं किसी पर्सन को कि वो उस फाइल को या डॉक्यूमेंट को देखे, या उसमें कुछ चेंजेस अगर वो करना चाहता है तो वो चेंजेस भी वो ईजिली कर पाएगा. यू कैन टेक प्रीव्यू द टेक्स्ट बिफोर प्रिंटिंग इट, टेक मल्टीपल प्रिंट आउट. सो यू कैन ऑल्सो प्रीव्यू, मतलब कि जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं सो आप इजिली प्रिंट भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर.
सो जितने भी प्रिंट आउट आपको चाहिए वो आप इजीली ले सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग वर्ड 2016। अब एमएस वर्ड को स्टार्ट करते कैसे हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे बताया गया है। सो क्लिक ऑन स्टार्ट एंड वर्ड 2016। सो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा, जो कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेफ्ट कॉर्नर पे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे अवेलेबल होता है। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डायरेक्ट वहाँ पे सर्च बॉक्स में वर्ड लिख के भी सर्च कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट फंक्शन पे क्लिक करके भी उसको ओपन कर सकते हैं। सो द स्टार्ट स्क्रीन ऑफ वर्ड 2016 अपीयर्स नोन एज द बैक स्टेज व्यू। मतलब कि जब आप एमएस वर्ड 2016 को ओपन करेंगे सो एक स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिस स्क्रीन को हम बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं। आप देख सकते हैं जो ये आपको यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है, ये हमारी बैक स्टेज व्यू कहलाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं विच यू कैन यूज़ एज पर योर नीड। सो इन बैक स्टेज व्यू यू कैन क्रिएट न्यू, सेव, ओपन, प्रिंट, शेयर डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस लोकेशन क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट थंबनेल। मतलब कि आप यहां से फाइल सेव कर सकते हैं, न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रीवियस फाइल को ओपन कर सकते हैं और अपनी फाइल्स को प्रिंट कर सकते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। सो जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं सो यहां पे हमें काफ़ी सारी टेम्पलेट्स देखने के लिए मिल जाती है, आप देख सकते हैं। लेकिन जनरली जब हम कोई भी लेटर टाइप करते हैं हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज़ करके उसको टाइप करते हैं। सो अगर आप इस पर टाइप करेंगे सो इट विल ओपन आर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्प्रेरी नेम डॉक्यूमेंट पर। मतलब कि जब भी आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं सो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, और क्या नेम होता है उसका, डॉक्यूमेंट वन। डॉक्यूमेंट वन नेम से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। सो द स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट यू नोटिस ऑन द स्क्रीन इज नोन एज द कर्सर। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे एक आपको लाइन देखने के लिए मिलती है, दिस लाइन इज नोन एज कर्सर, इसको हम कर्सर बोलते हैं। अब कर्सर का वर्क होता क्या है, इट इज़ द इंसर्शन पॉइंट एंड इंडिकेट द पोजिशन वेयर द नेक्स्ट टाइप कैरेक्टर विल अपियर। मतलब कि ये हमें बताता है कि हम स्क्रीन पर किस पोजिशन पे हैं, और जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट करेंगे वो किस पोजीशन से टाइप होना स्टार्ट होगा। सो एज यू स्टार्ट टाइपिंग द कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द राइट, वी कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द सेम स्क्रीन और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है जब भी आप कोई भी वर्ड या लेटर या नंबर कुछ भी टाइप करना स्टार्ट करेंगे सो आपका कर्सर अपने आप राइट साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा, एंड वी कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द सेम स्क्रीन। आप अगर और कोई टेक्स्ट भी यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं सो आप सेम स्क्रीन पर भी कर सकते हैं, और आप अलग से न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट विंडो, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हमारा एक कम्प्लीट इंटरफेस होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं जितने भी फंक्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, तो आप ये सब भी देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ एंटरिंग द टेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट कैसे एंटर किया जाता है। सो वाइल टाइपिंग इन वर्ड डॉक्यूमेंट यू विल ऑब्जर्व दैट वर्ड रैप्स द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। रैपिंग द टेक्स्ट मीन that if the text does not fit in the current line the word shifts it to the next line by default. So मतलब ये है कहने का कि जब भी आप कोई भी text यहाँ पर type करना start करते हैं so ये आपको एक screen show होती है जिसमें आप type करते हैं, so जब आप type करते करते screen के last में पहुँच जाते हैं so उसके बाद MS Word अपने आप से automatically आपको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है। मतलब कि एक लाइन के कंप्लीट होते ही जो भी आप टाइप करेंगे सेकंड लाइन से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसको हम टेक्स्ट रैपिंग भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हाउ कैन वी एंटर अ टेक्स्ट। आपको पता है हम टेक्स्ट कैसे एंटर कर सकते हैं, डायरेक्ट आप क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे
एंटर कर सकते हैं। मैंने वीडियोस में आपको कंप्लीट टेक्स्ट को कैसे एडिट किया जाता है सारे फंक्शंस के बारे में बता रखा है। सो नेक्स्ट वन इज एज यू कैन सी नाउ इट इज शोविंग सम डिफरेंट फंक्शंस एट यू कैन सी फर्स्ट फंक्शन इज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड सेकेंड इज टू सेव अ डॉक्यूमेंट। सो मतलब कि अब हम देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट सेव ओपन एंड क्लोज एंड प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, कैसे हम डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। सो आप देख सकते हैं नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल टैब के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पे हमारा फाइल टैब होता है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका होता है न्यू, न्यू पे क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इन तीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे सो एक नया डॉक्यूमेंट अपने आप से ओपन हो जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ द शॉर्टकट कमांड विच इज़ कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन कमांड का अगर आप यूज़ करेंगे सो तब भी आप एक नया डॉक्यूमेंट ईजिली क्रिएट कर पाएंगे एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द न्यू बटन बाई यूजिंग क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में भी आपको न्यू बटन मिल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे इस इमेज में कुछ क्लियर नहीं शो हो रहा होगा सो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सो इट इज शोविंग ऑल द फंक्शंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं? सो टू सेव अ डॉक्यूमेंट यू हैव टू फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शंस। You have to click on the file tab. After clicking on the file tab, this time you will click on saving a document. So, whenever you will click on saving a document, you will see a box, this type of box. So, you can enter any particular name in this file name box. तो यहाँ पे आप अपनी फाइल का नेम लिखेंगे जो भी नेम से आपको फाइल को सेव करना है एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑफ सेविंग। सो सेव करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक ऑन द सेव बटन। सेव बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी फाइल सेव हो जाएगी। सो मतलब कि आपको इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जिनसे आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। Closing a document is also similar to saving and opening a file. So to close a document, you simply have to click on the file tab. After clicking on file tab, there is a option of close. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक close का option आपको देखने के लिए मिल जाता है। So जैसे ही आप इस close के option पे click करेंगे आपकी file close हो जाएगी and you can also close the file by pressing द क्लोज बटन एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। जब भी हम MS Word में या Excel में कोई भी प्रोग्राम पे वर्क करते हैं सो आपको एक क्लोज बटन भी देखने के लिए मिल जाता है राइट कॉर्नर पे, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है कुछ इस पोजीशन पे आपको एक क्लोज बटन देखने के लिए मिलता है। सो उसके हेल्प से भी आप फाइल को इजीली क्लोज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट मीन्स यू कैन ओपन अ प्रीवियस डॉक्यूमेंट, मतलब के जो फाइल आपने पहले से बना के सेव की हुई है आप उनको इजीली ओपन भी कर सकते हैं। उन फाइल को ओपन करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द फाइल टैब देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ ओपन। सो जैसे ही आप ओपन वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे सो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। अभी जैसे सेव करते समय हमने फाइल का यहाँ पर एक नेम दिया था सो दिस टाइम यू विल टाइप द सेम नेम, मतलब कि जो फाइल आपने पहले जिस भी नेम से सेव की है वो सेम नेम आपको इस बॉक्स में, फाइल नेम बॉक्स में यहाँ पे टाइप करना होगा और नेम टाइप करने के बाद यू विल सिंपली क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। सो जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे जो फाइल आप पहले सेव कर चुके हैं वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं? So to print a document, again you have to click on the file tab. After clicking on file tab, this time you will click on print option. So यहाँ पर एक print option आता है जिस पर आप लोग easily click
क्लिक करके फाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी डिटेल्स शो हो रही है। देयर इज़ अ बटन ऑफ प्रिंट, जैसे ही आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये आपकी फ़ाइल को प्रिंट कर देगा। यू कैन सी इट इज़ शोविंग कॉपीज, मीन्स यू कैन एंटर नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब कितने प्रिंट आपको लेने हैं उस पेज के, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो ये काफ़ी सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इन सब चीज़ों में जो आपको कॉमन चीज़ देखने के लिए मिली है वो है फाइल टैब। इसका मतलब ये है अगर हमें किसी फाइल को सेव करना है, किसी फाइल को ओपन करना है, न्यू फाइल लेनी है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है या डॉक्यूमेंट्स को शेयर करना है, सारे फंक्शंस को यूज़ करने के लिए वे हैव टू यूज़ फाइल टैब। फाइल टैब का यूज़ किया जाता है। और आफ्टर क्लिकिंग ऑन फाइल टैब, फाइल टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का एक व्यू देखने के लिए मिलता है। दिस व्यू इज़ नोन एज बैक स्टेज व्यू, इस व्यू को बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। सो आप इजीली बैक स्टेज व्यू की हेल्प से फाइल को, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, प्रीवियस फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब होता है कि किसी भी एक फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं, फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को इजीली क्लोज कर सकते हैं। सो इतने सारे ऑप्शंस आपको सिर्फ बैक स्टेज व्यू में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, सो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।